एवरीवन, कैसे आप लोग? माय नेम इज वंदना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी ना मैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में सोच रही थी, जो कि मैंने अपने भाई के साथ एक चैलेंज वीडियो किया था, गेस द प्रोडक्ट चैलेंज। उससे पहले अगर आप में से किसी ने वो चैलेंज अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप फटाफट से जाके पहले उस चैलेंज को देखिए, काफी ज्यादा मजा आएगा यार आप लोगों को। तो अब मैं अपनी मुद्दे की बात पे आती हूँ। ये सोच रही थी कि यार, लास्ट टाइम जब मैंने उससे कुछ ना ऐसे उलटपटांग खिलाने का सोचा था ना, तो वो चीज मुझ पे ही भारी पड़ गई थी। 5 में से यार 3 चीजें तो मुझे ही खानी पड़ी थी लास्ट टाइम। तो मैं सोच रही थी ना, इस बार ना मैं कोई बढ़िया सा फूड चैलेंज करती हूँ अपने भाई के साथ। I mean, यार ठीक है ना, इसी बहाने हमें कुछ अच्छा भी खाने को मिल जाएगा। सोचते सोचते मुझे एक आइडिया आया कि मुझे ना मोमोज चैलेंज करना चाहिए अपने भाई के साथ। उसे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है, पर ठीक है ना, अगर मैं उसके साथ चैलेंज कर रही हूँ तो उसी की फेवरेट चीज उठा के चैलेंज कर लेते हैं। इसमें मजा भी आएगा और अच्छा भी खा लेंगे यार हम लोग। आज ना मैं शिमला में बहुत सारी ऐसी शॉप्स है जहाँ बहुत ज्यादा टेस्टी मोमोज मिलते हैं, 3-4 शॉप्स पे जाके मोमोज लेके आऊंगी और मैं अपने भाई को ये चैलेंज रखूंगी कि उसे ना उन मोमोज का प्राइस गेस करना है। मैं पहले सोच रही थी कि यार मैं उसको ये भी बोलूंगी कि हाँ, टेस्ट करके तुझे बताना है कहाँ के मोमोज है, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो ऐसा कुछ बता पाएगा। तो क्यों चैलेंज को इतना टफ बनाना यार, थोड़ा सा इजी चैलेंज दे देती हूँ उसको, सिर्फ उसको प्राइस गेस करना है, बस दैट्स इट। मोमोज का तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया यार। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब निकलते हैं घर से फटाफट से, ताकि मैं फटाफट से आऊं और चैलेंज स्टार्ट करूं। तो चलते हैं फिर। तो ये गाइस, अब मैं पहुंच गई हूँ रिच पे। तो यहाँ पे ना यार मेरी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट शॉप है, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ना वहीं से जाके मोमोज लेने वाली हूँ, तो पहले उधर ही चलते हैं। बाकी शॉप्स ना यहाँ पे नहीं है, बाकी शॉप्स नीचे को जाके हैं, सबसे पहले हम उसी से लेते हैं। मौसम देखो यार, कितना ज़्यादा अमेजिंग मौसम हो रखा है, धूप निकली हुई है। धूप का मज़ा लेते लेते हम चलते हैं शॉप की तरफ। और ये मैं अपनी फेवरेट शॉप पे पहुँच गई हूँ, तृप्ति। यार मुझे यहाँ के मोमोज ना मतलब अमेजिंग लगते हैं, तो चलो फटाफट से जाके यहाँ से हम मोमोज ले लेते हैं। ले लिए मैंने तृप्ति से मोमोज, मैंने अपनी फेवरेट जगह के मोमोज तो ले लिए हैं, अब मुझे वो वाली जगह भी जाके लेने पड़ेंगे जहाँ के मेरे भाई को एक्चुअली पसंद है। तो चलते यार, वो शॉप भी थोड़ी सी आगे ही है। पहले तो मुझे ना ये पैकेट भी ढंग से बचा के चलना पड़ेगा, यहाँ के बंदर अटैक भी करते हैं। चलो यार अब चलते हैं अपनी दूसरी दुकान में, भूख लग गई यार यहाँ पे। मैंने ना गाइस उसी बेकरी की शॉप से ना एक अपने लिए ऐसी चॉकलेट जैसी खरीदी, तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ी देर कहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अब शिमला में देखो चलते चलते तो हम कुछ नहीं खा सकते, यहाँ पे कब कहाँ बंदर अटैक कर जाए ना खाने की चीज़ों पे, तो इसलिए अच्छा है कहीं एक जगह बैठ जाओ जहाँ पे लोग वगैरह भी हो और फिर मज़े से खाओ। टेस्टी यार। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मेरा मोमोज हंटिंग फिर से स्टार्ट हो चुका है, अब मैं दूसरी शॉप पे जाने वाली हूँ मोमोज लेने के लिए। चलो यार, मोमोज तो भाई लेते लेते ही ना मुझे भूख लगने लग गया, अब घर तक का तो वेट करना ही पड़ेगा ना मुझे। पहले तो मुझे अपने भाई को खिलाने हैं, उसके बाद जो मेरे लिए बचेगा मैं वो ही खाऊंगी। मैं नहीं मानता। और ये हम अपनी दूसरी शॉप पे पहुंच गए हैं, कृष्णा बेकरी। यहाँ के मोमोज भी यार बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, यहाँ से भी पैक करा लेती हूँ फटाफट से। ये मैं मेरी तीसरी शॉप पे आ गई हूँ मोमोज पैक कराने, फाइनली यहाँ पे जाके मेरे हाफ पैक हुए हैं। मुझे ना इस वक्त चल चल के कम से कम 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। मैं ना एक्चुअली एक रेडी ढूंढ रही हूँ जिससे मैं मोमोज लेके जाऊँ। मैंने शॉप वॉप से तो उठा लिया यार, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे मिलते थे, यहाँ पे कई बार ना रेडी वाले बहुत अच्छे मोमोज बनाते हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। उन्हें ढूंढते ना काफ़ी टाइम हो गया, अब चल चल के चलते चलते बहुत नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पर जाके मुझे फाइनली एक रेडी दिखी है जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे मिलते होंगे। हाफ प्लेट अब यहाँ से लेके जाती हूँ। अब मैं घर की ओर चली आई, मैं आप लोगों से डायरेक्ट घर पे मिलती हूँ। A few moments later. Guys, मैं finally अपने घर पहुंच गई हूँ और अब मैं ना यार अपने भाई को ना मोमोज खिला देती हूँ और चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उस बेचारे को अभी काफी देर से भूख लग रही है, उसने अभी लंच नहीं किया, लंच टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगने लग गई अब तो, जब मैं ले रही थी ना मोमोज सीरियसली मेरा उसी टाइम मन कर रहा था कि अब खा लूँ, पर मेरा था कि नहीं नहीं जब तक घर नहीं पहुंचूंगी तब तक नहीं खाना, इसी के साथ खाऊंगी। बाकी यार मैंने तो सोचा था कि मैं 5 जगह से मोमोज लेके आऊंगी, क्योंकि शिमला में है ऐसी काफी सारी जगह जहाँ काफी अच्छे टेस्टी मोमोज मिलते हैं, लेकिन यार
प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस भी शॉप में जा रही थी वो मुझे ना फुल प्लेट मोमोज दे रहे थे, लाइक हाफ प्लेट किसी ने भी नहीं दिया। और फिर मुझे था कि यार इतनी सारी जगह से अगर मैं फुल फुल प्लेट, मतलब दो दो फुल प्लेट लेके आ जाऊंगी तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने एक एक फुल प्लेट लाई है। इसी चक्कर से मैं पांच जगह नहीं जा पाई, मैं चार जगह से लेके आई हूँ। अब देखते यार मेरा भाई गैस कर पाता है उसको, अगर तो उसने जगह गैस कर ली तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्राइस रेंज भी गैस करेगा ना वो भी बहुत अच्छा है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यार। हाँ यार मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इन सबको देख के। आजा भाई आजा, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा लंच लाया आज, भूखा भूख लग रहा है। भूखा था से मोमोज ला रही है। हाँ कुछ खाइयो मत है ना, मैं तेरे लिए लेके आऊंगी परांठा लेके आऊंगी। देख यार मैंने पिछली बार जो चैलेंज किया था तेरे साथ ना, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, कितना गंदा गंदा खिलाती ना। इस बार मैंने सोचा तेरे साथ मोमोज चैलेंज करते। देख चार जगह से मैं मोमोज लेके आई हूँ, तूने सिंपल क्या करना है, एक तो मुझे बताना है इनमें से तुझे सबसे बेस्ट कौन सा लगा, ठीक है? और अगर तो तू दुकान गेस कर लिया ना तूने भाई, तब तो तू सच बता रही, तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगा। अगर तूने करेक्ट गेस कर लिया कौन सी शॉप से लाया गया ये, ठीक है? और इसका प्राइस रेंज भी अगर तूने सही गेस किया। देखिए पहले इतनी ठंड है, ऊपर से मोमो सारे ठंडे खिला रही है। नहीं यार गर्म है, देख टच कर, सील गर्म है, मतलब ये देख कितना ठंडा है, उंगली जाम हो गई। यार मैं इनको गर्म कर सकती थी, बट फिर अभी भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है ना। चलो भाई शुरू कहाँ से करना चाहता तू बता। ये वाले का टेक्सचर थोड़ा अजीब सा, तो ये तो तुमने कहीं लोकल रेडी से लाया होगा पकड़ा। कैसा लगा? अच्छा बहुत आ रहा है, लेकिन इसको देख के मेरे को पता क्या लग रहा है, ये तूने मॉल रोड से लाया पक्का है ना? मुझे अभी पहले यार तू एक एक करके गेस कर, ऐसे तो तू बता देगा। अच्छा पहले मुझे बता इसका प्राइस रेंज क्या लग रहा है तुझे, कितने का होगा ये? ये होगा नॉर्मल 40 रुपए का भाई। अच्छा 40 रुपए का, चल ठीक है, मतलब अच्छा लगा ना तुझे। चल आधा समय खा ले तू ना फिर। अब देख ये वाले और ये वाले में कितना रात और दिन का फर्क है, तो थोड़े से महंगे होंगे, और लाए तूने सारे मॉल रोड के आसपास से, ये तूने लोअर बाजार की साइड से लाया पक्का है कि नहीं है? करेक्ट, नाइस जजमेंट भाई, पर एक बार तू टेस्ट करके देख फिर मैं बता दू तेरे को। मॉडेस्ट भाई, इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हाँ मैं कब खाऊंगी इसको। बता दिए कितने प्राइस का होगा ये, तूने 40 का बोला, 40-50 के आसपास का ये वाला, ठीक है 40-50 का होगा, लगभग 60-70-80 के आसपास का। अच्छा 60 रुपए का, 70 मान ले, मतलब उसके आसपास, ठीक है 60-70 ओके। अब एक इसकी बारी, अगर तूने मॉल रोड से लाया हुआ तो ये ना मेरे को जितना मेरे को पता है ये 250 रुपए के आसपास का है वाला, है कि नहीं है? खा के देख, खा के बता। अभी 250 के बोल रहा था, मतलब इतने टेस्टी लगे इसको। एक जगह है मॉल रोड में, वहां पे 240 के 6 मोमोज मिलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे को लगा ये भूल गया, बट एक्चुअली वो है नहीं, ये तृप्ति के हैं। और ये वाह भाई वाह, क्या गैस किया रे तूने, ये तो बिल्कुल सही गैस कर दिया। शकाल लग रहा है ये, किलविश लग रहा है भाई, इतने अलग अलग से क्यों है भाई ये? इसको भी टेस्ट कर रही है, भी टेस्टी होंगे आई एम श्योर, ये टेस्ट की चटनी के साथ खाऊंगा। बहुत टेस्टी है ये, कहां से उतर जाऊंगा सोचने दे भाई। सोचो बता दे भाई, अगर तूने सही गैस कर लिया तो तू ये चैलेंज जीत जाएगा, और तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगी भाई। ये फर्स्ट गैस, गैस करके बता, मुझे नहीं लग रहा तू बता पाएगा। एक है चाइना टाउन, एक है आंटीज का केक प्लेस, ओके ठीक है, एक है सचिन करके एक प्लेस का नाम, उत्तरी इतने सारी जगह का नाम पता है, कृष्णा बेकरी, एक है कृष्णा बेकरी के साथ एक और बेकरी, ओके किसी एक का ही गारंटी है मेरी। एक और टेस्ट करके बता सकता है, पता नहीं लग रहा तो खा सकता है, एक और खाया बहुत खाया मैंने, बहुत चुरा के मैं जो अंदर की स्टफिंग देख के रख जाएगा पता। ऐसे तो किसी को पता लगता ना स्टफिंग देख के, कृष्णा का तो नहीं है बेकरी, कृष्णा के। ओ भाई एकदम सही गैस किया है, कृष्णा बोला। अच्छा नहीं मैंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, मेरा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ही था कि अच्छा ऐसा है, एकदम लोकल है भाई। अब मैं तुझे बताऊं, तूने दो मोमोज जो सबसे बढ़िया जगह से मैंने लाए थे ना, उन बिल्कुल सही गैस की, ये तृप्ति के मोमोज एकदम करेक्ट प्राइस। इसका प्राइस बता, कृष्णा बेकर से खाया तो बता, कृष्णा बेकर का क्या प्राइस है? 70 के आसपास ही होगी।
60 रुपीस का, मतलब चल ठीक बोला, रेंज सही गैस किया है। जो ये वाले मोमोज है ना, ये मैंने वो चाइनीज वाले भैया नहीं होते नीचे, उसकी शॉप का नाम नहीं मेरे को पता, वो सीढ़ियों से जाते हैं, वहां से लाया, ठीक है। तो ये है 40 रुपीस के, हाँ, और ये मैंने रेडी से लाया है जो तेरे को सबसे पहले पसंद आया, और ये 20 के है गाइस, बस तो फर्क था 20 और 40 और 60। और मजे की बात है कि मैंने कोई मतलब 100 रुपए से ऊपर के मोमोज नहीं लाए हैं, मतलब ये सारी शॉप बहुत अच्छी बनाती है और सारे 100 रुपए से कम के हैं। सारा सस्ता माल लाया तूने? सारा सस्ता नहीं भाई, बहुत अच्छा भाई, मैंने भी खाने, मेरे लिए भी रुक जा थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि सारे खा। चल वैसे एक बात बोलूं, तू ये चैलेंज जीत गया ना, तो अब मैं इतना प्रॉमिस तेरे से कर सकती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो तू बोलेगा ना, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगी। अब वो तू सोच लियो तूने क्या करवाना है, जैसा मर्जी होगा वो देख लेंगे हम। अभी यार तू जीत गया, चीजें खरीदवानी तो है ही है ना यार, अब तू फिर से मेरे को भेज, नहीं नहीं डिलीवरी गर्ल बन जाएगी। अभी खा लेती हूँ, उससे पहले सारे मोमोज शट कर जाए। भाई यार मैं सुनने खा रहा, 3 मोमोज हमने सारे खा लिए, बस ये रहते हैं, अब ये भी यही खाने वाला है। मैं नहीं खाऊंगा अभी तो नहीं, बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खा सकता, मेरा पेट जिम मार के हमर मोमोज खिला रही हूं। कोई नहीं, अगर ये नहीं खा रहा तो बचे हुए मोमोज मैं खा लेती हूँ, वेस्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि यार ये सारे के सारे इतने टेस्टी थे ना। बाकी मैंने ये सारे बजट फ्रेंडली मोमोज लेके आई थी मैं आज, और मैंने कोई भी 100 रुपए से ऊपर के मोमोज लाए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ही था कि ये सोचेगा मैं बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाले मोमोज लाऊंगी, इसलिए मैंने जान मुझ के लाए थे 100 रुपए से कम के, पर फिर भी ये पहचान गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मैं तब तक अपने बचे हुए मोमोज खा लेती हूँ यार, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।